हेलो यूजर, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है फार्मा सीरीज की वीडियो नंबर 4। इस वीडियो के अंदर में हम आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से अगर आप एक मेडिकल होलसेल का बिजनेस करते हैं या फिर आप एक मेडिकल स्टोर ओनर है तो मार्क ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर में आप अपना क्लोजिंग स्टॉक किस तरीके से देख सकते हैं, और साथ ही साथ में आपको मैं कुछ स्टॉक से जुड़ी हुई कुछ एडिशनल रिपोर्ट उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अगर अपना क्लोजिंग स्टॉक देखना चाहते हैं तो किस तरीके से आप देखेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर के अंदर में स्टॉक्स वाले ऑप्शन पे आएंगे, स्टॉक्स वाले ऑप्शन पे एंटर प्रेस करेंगे, और एंटर प्रेस करने के बाद में जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो आता है करंट स्टॉक। आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर में एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद में आपके बनाए हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट आपको आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, और साथ साथ में उस प्रोडक्ट का जो स्टॉक है वो भी आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बाद में अगर आप इस रिपोर्ट को यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं या फिर इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से यहाँ पर अल्टर पी प्रेस करेंगे। अल्टर पी प्रेस करने के बाद में यहाँ पर पहला ऑप्शन आता है स्टॉक स्टेटमेंट। आप इस वाले ऑप्शन पे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पर एक विंडो और ओपन होती है, यहाँ पर आप एंड तक एंटर प्रेस करेंगे। एंड तक एंटर प्रेस करते ही आपके सामने ऑप्शन आ जाता है प्रिंट का। यहाँ से आप चाहे तो इसे प्रिंट कर सकते हैं, और उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर एक्सेल का, आप चाहे तो इसे एक्सेल फॉर्मेट में भी इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाद में अगर आप अपने प्रोडक्ट की यहाँ पर देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर पैरासिटामोल है और आप ये देखना चाहते हैं ये जो स्टॉक है ये किस बैच का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पर बैच वाइज स्टॉक भी देख सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट से बैच वाइज स्टॉक देखना है तो आप प्रोडक्ट के ऊपर में एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर बैच डिटेल वाले ऑप्शन पे एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करते ही आपके सामने जितने भी बैच होंगे इस प्रोडक्ट के वो बैच आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और साथ साथ में उसका क्लोजिंग स्टॉक भी आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट का बैच डिटेल निकाल सकते हैं या देख सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं नियर एक्सपायरी रिपोर्ट के बारे में। नियर एक्सपायरी रिपोर्ट होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके मेडिकल स्टोर के अंदर में कोई ऐसे प्रोडक्ट है जिनकी एक्सपायरी नजदीक आने वाली है तो आप कैसे उसका पता लगाएंगे, किस तरीके से आप उसको मार्क ईआरपी सॉफ्टवेयर से पता लगा सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। उसके लिए आप सबसे पहले स्टॉक्स वाले ऑप्शन में आएंगे, उसके बाद में यहाँ पर नीचे दिए गए नियर एक्सपायरी स्टॉक के ऑप्शन पे एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर आपके सामने नियर एक्सपायरी विंडो ओपन हो जाती है जिसमें आप एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद में जो भी प्रोडक्ट आपके नजदीक एक्सपायरी आने वाली है वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और साथ साथ में उसका बैच नंबर भी आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को, जो भी एक्सपायर प्रोडक्ट होने वाले हैं, उन प्रोडक्टों को हटा सकते हैं या उनको रिटर्न कर सकते हैं। उसके बाद में आप इस रिपोर्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपल सा आप अपने कीबोर्ड से अल्टर पी प्रेस करेंगे। अल्टर पी प्रेस करने के बाद में स्टॉक स्टेटमेंट पे एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर ग्रुप टाइप पे एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद में कंपनी पे एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर एंड तक एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद में अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं या फिर इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अभी हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से आप अपने नियर एक्सपायरी स्टॉक को देख सकते हैं। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया है और आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि मेरे यहाँ पर कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उसके लिए भी आप मार्क ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर में आएंगे और स्टॉक्स वाले ऑप्शन के एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपायरी स्टॉक, आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर में एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर एक्सपायरी स्टॉक की विंडो ओपन हो जाती है, यहाँ पर आप एंड तक एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे कि जो भी आपके प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुके हैं वो आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। अब इसके बाद में आप इसे जो है अल्टर पी प्रेस करके इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं और इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर स्टॉक स्टेटमेंट पे एंटर प्रेस करेंगे, ग्रुप टाइप पे एंटर प्रेस करेंगे, कंपनी पे एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर एंड तक एंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ से प्रिंट कर लेंगे या फिर इसे एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की रिपोर्ट जो आपके फार्मा सेक्टर के अंदर में आपको बहुत ही यूजफुल हो सकती है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।